बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी एडवांस और पीएचपी एडवांस के अंदर लारावेल। लारावेल के अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अब हमने इंसर्शन पे काम करना है। कंपनी हमने इंसर्ट करनी है और एक कंपनी का हमने फॉर्म अपने पास बना लिया था ऐसे, एंड उस हिसाब से हमने अब करना क्या है, एक लाइक कंपनी इंसर्ट करनी। एड कंपनी का जो मैंने ये क्रिएट ब्लेड बनाया था, ये जा कहाँ रहा था, कंपनीज डॉट स्टोर की तरफ ऐसे। कंपनीज डॉट स्टोर का मैं साइड में काम भी कर लेता हूँ, लारावेल डॉट कॉम में अगेन एक बार यानी कि आप लोगों को दिखाता हूँ इसका डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हमारे पास टेबल प्रोवाइड की हुई है पूरी रिसोर्सेस के, फंक्शंस कंट्रोलर्स के। तो देखिए नीचे ये हमारे पास प्रोवाइड, ठीक है। अगर हमने स्टोर की तरफ जाना है तो राउट हमारे कुछ इस तरह से सेट करना पड़ेगा, योर कंट्रोलर नेम एंड योर फंक्शन नेम। तो भाई कंट्रोलर से हम स्टोर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें इनपुट टाइप हिडन नहीं आएगा क्योंकि हम पुट या पैच वगैरह नहीं कर रहे, ये डायरेक्ट एज अ पोस्ट जाता है, ठीक है, किसी भी। तो हम जिससे क्या होता है, अब भाई जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा स्टोर की तरफ। देखिए आई थिंक ये रिकॉर्ड लगा हुआ है इसमें, चलो मैं कुछ भी भेज देता हूँ, ये स्टोर की तरफ जा रहा है वैसे, ठीक है। कहाँ जा रहा है, स्टोर की तरफ, क्योंकि स्टोर के अंदर अभी तक मैंने कोई काम किया नहीं है तो तभी कुछ भी नजर नहीं आया, ठीक है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्टोर के फंक्शन की तरफ। हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि मैं जैसे कि मैंने लाइक एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, ये कंपनी मेरा मॉडल आ गया। क्रिएट नाम से हमारे पास आता है फंक्शन और इसके अंदर जो चीजें पास होती हैं इन अ फॉर्म ऑफ एरे होती है, इन अ फॉर्म ऑफ एरे पास होती है, जैसे कि हम कोऑर्डिनेटर भी पहले आप देख चुके हो कि इन अ फॉर्म ऑफ एरे इंसर्ट करवाया जाता था, ठीक है। इसमें होगा क्या कि अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं, नेम बाय नेम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड यूजर आईडी की एक चीज है हमारे पास, ये यूजर सही। ये जाएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे हम पहले भी भेज रहे थे, लाइक आप एडिट के अंदर होगी वो चीज अपडेट में, देखिए रिक्वेस्ट इनपुट की तरह ये चीज कैसे जाती है, रिक्वेस्ट इनपुट की तरह, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, मेरे पास नेम ही है भाई, नेम गेट हो गया, ये कॉमा असल में लास्ट में आनी थी, ठीक है। एंड सेम इस तरह से रिक्वेस्ट इंटर इनपुट डिस्क्रिप्शन, भाई ये डिस्क्रिप्शन आ गई मेरे पास, ठीक है। ये कहां से आया मेरे पास, यूजर आईडी कहां से आया मेरे पास, ठीक है, यूजर आईडी का मसला है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पे, ये जो हम पर्टिकुलर काम करवा रहे हैं ना, इसको हम एक इफ के अंदर बंद करेंगे, किसके अंदर, एक इफ के अंदर, ठीक है। इफ के अंदर आएगा क्या, ऑथ चेक होगा कि इफ यूजर इज ऑनलाइन और नॉट, कि क्या यूजर हमारे पास ऑनलाइन है या नहीं है। एंड यहां पे क्या होगा, यही चीज ऑथ में से हम क्या करेंगे, यूजर निकालेंगे और यूजर की क्या निकालेंगे, आईडी, यूजर आईडी की तरफ यूजर की आईडी चली जाएगी, ठीक है भाई। जो यूजर लॉगिन है, जो यूजर हमारे पास लॉगिन है, क्योंकि यूजर नाम का मॉड्यूल हमारे पास बना हुआ है ना ऑलरेडी, ठीक है भाई, जो ऑथेंटिकेशन से यानी कि गुजर के आया यानी कि लॉगिन है, उस यूजर की आईडी निकालो। इस तरह से आप इसी यानी के प्रोसेस के जरिए आप कोई भी कॉलम यूजर का निकाल सकते हो,
यूजर इमेज चाहिए, अगर आपको यूजर की एड्रेस चाहिए, यूजर का रोल चाहिए, ठीक है, जो भी चीज आपको चाहिए आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इस चीज को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये क्रिएट फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, खुद ही क्रिएट कर देगा चीज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ऑलरेडी एक चीज हमारे पास यहाँ पे आया था, ये बनी हुई है अपडेट के अंदर, यही मैं कॉपी करके ऊपर अपने पास स्टोर के अंदर लगा दूंगा इस तरह। जबकि ये चीज मैं लगाऊंगा, चलो ठीक है, इस चीज को फिलहाल निकाल, ओके, कंपनी अपडेट लिखा हुआ है, मैंने इंसर्ट कंपनी यहाँ पे फंक्शन लगाना है। भाई इफ इंसर्ट कंपनी अगर हो जाता है तो वापस कहाँ चला जाए, कंपनी डॉट शो की तरफ, यानी कि जो पर्टिकुलर कंपनी में ऐड कर रहा हूँ वो कंपनी खुल जाए मेरे पास, यानी कि अलग से शो की तरफ जाए, ओके ठीक है। एंड कंपनी की तरफ मैंने इसको, कंपनी के नाम से मैंने इसको शो की तरफ सेंड कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर है, एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन किसी भी किस्म का, पक्का है। मैं एक बार इसको ट्राई कर देता हूँ, मेरे पास एक एरर आएगा आई थिंक, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्टर पीएसबी वो उसी नाम से जो पहले हमने ऐड किया, ठीक है, और इसको मैं कोई भी फिलहाल देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करूँ, I got an error because I auth check, देखो मेरे पास एरर दे रहा है, क्योंकि auth not found, auth not found। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, I think कि मेरे साथ admin@admin.com and password, लॉगिन होके हम यहाँ पे आ गए, एडमिन लॉगिन हो चुका है, slash companies एड कंपनी, आई होप कि मेरे पास अगेन एक एरर आएगा, तो उन एरर्स को अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें कह रहा है कि ऑथ की जरूरत है, ये ऑथ तुम यहाँ पे कैसे चेक करवा रहे हो, ये ऑथ हमें ऊपर ऊपर बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे एड कराना पड़ेगा, तभी वो काम करे, जैसे कि भाई जैसे कंपनी चल रहा है ना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, यूज किया हुआ है कंपनी मॉडल को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसी तरह से ऑथेंटिकेशन को भी यहाँ पे ऐड करना है, क्या करना है, ऑथेंटिकेशन को भी यहाँ पे ऐड करना है, और वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे हमने इस तरह से यूज करा देना होता है किस चीज को, अपने ऑथ को, ठीक है, इलिमिनेट सपोर्ट, क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए इस वक्त ऑथ, ठीक है, मुझे ये क्या करेगा ऑथ में से जाके यहाँ पे ऐड कर देगा, ये ऑथ आ कहाँ से रहा है, ये असल में यहाँ से आ रही है चीज़ें हमारे पास कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी, ये जब हम शुरू शुरू में आर्टिसन चलाते हैं ऑथ के नाम का, ठीक है, ये तब ऑटोमेटिकली पीएचपी आर्टिसन ऑथ चलाते हैं, ठीक है, तो तब ये चीज़ें ऑथ के नाम का अलग से फोल्डर कंट्रोलर के अंदर बन जाता है, जिसके अंदर तमाम कंट्रोलर्स हमारे पास ऑथेंटिकेशन के रखे हुए, लॉगिन कंट्रोलर वगैरह, और यहाँ से ये चीज़ें हमारे पास सारी आ रही, ठीक है, देखें यहाँ पे भी अलग से ऑथ के नाम की अलग से चीजें ऐड की हुई हैं जो कि आ रही हैं बैकग्राउंड से, ठीक है, तो भाई ये हमने सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना होता है। अब हम क्या करते हैं इसको अगेन एक बार ट्राई कर लेते हैं, डॉक्टर पीएचपी इंसर्ट, आई थिंक कि मेरे पास इस वक्त एरर आया है कंपनी का, वेयर इज कंपनी आईडी, जो कंपनी आईडी आप शो कराना चाह रहे हो वो है कहाँ, ठीक है, तो इस चीज का एरर आया है, तो अब इस चीज को हम यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है, इसको हमने करना क्या है कि छोटी सी हमने जो यहाँ पे मिस्टेक किए वो ये किए कि असल में ये वेरिएबल कंपनी आईडी नहीं आएगा, बल्कि ये वाला वेरिएबल होगा जो इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि रिटर्न ये करेगा भाई जो क्रिएट हो रही है ये क्या करेगा, इस चीज को क्रिएट करके
मुझे कुछ तो रिटर्न करेगा ना, यानी कि ये पर्टिकुलर रो करेगा जो रिटर्न है, जो इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे असल में वेरिएबल आएगा ये वाला इंसर्ट कंपनी, यानी कि जो रिसेंटली कंपनी इंसर्ट हुई है। तो बेहतर है कि इतना बड़ा नाम डालने के बजाय मैं इसको छोटा कंपनी ही कर देता हूँ, एंड ऊपर भी नाम मैं इसका चेंज करके जस्ट कंपनी करके यहाँ पे भी कंपनी ही, क्योंकि एड सिंपल कंपनी एड होगी। ठीक है, असल में ये वेरिएबल मुझे रिटर्न कर रहा है कंपनी को एड करके उसकी आई डी के पार्टिकुलर कंपनी जो एड हुई है। ठीक है, लुक एट दिस कंपनी अपडेटेड सक्सेसफुली। आई थिंक यहाँ पे मैंने इसको चेंज करना था, क्रिएटेड सक्सेसफुल। ठीक है, और ये कंपनी ऐड हो चुकी है इंडिया डॉक्टर पीएचडी। अगर आप वापस जाओ ऑल कंपनी की तरफ तो यहाँ पे भी दो बार इंसर्ट इस वजह से हो गया, फर्स्ट टाइम हुआ था एंड सेकंड टाइम अभी, यानी कि मैंने कर दिया। तो इनमें से किसी भी एक को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सेम रिफ्रेश किया था तो इस वजह से वो रिफ्रेश हो गया मेरे पास। ठीक है भाई, ये मेरे पास कंपनी देखिए ऐड हो चुकी है और मेरे पास नोटिफिकेशन सक्सेसफुली आ गया। ये आ रही बात समझ में? ये सिंपल सा एक ऑथ नाम का बस हमारे पास कंट्रोलर होता है, जो कि बैकग्राउंड में मॉड्यूल्स के अंदर भी ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारी आ रही होती हैं हमारे पास। ये कंप्लीट चीजें हमारे पास बैकग्राउंड से कंट्रोल हो रही है खुद ही, क्योंकि ऑथेंटिकेशन लारावेल खुद बना रहा है ऐसे। तो लारावेल क्या करता है, लॉगिन करते वक्त जो यूजर लॉगिन हो रहा है उसका जो सेशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसकी जो हिस्ट्री यानी कि हमारे पास सेव हो रही है कि भाई कौन ऐड, कौन इंसर्ट, कौन सॉरी लॉगिन हुआ है वगैरह वगैरह कुछ भी, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास आती हैं ऑथ नाम से, ऑथ नाम के मॉड्यूल से। ठीक है, वो मॉड्यूल हमें ये रिटर्न कर रहा होता है कि हु इज लॉगिन। ठीक है, एंड उसको हमने सिंपली चेक कर लिया ऑथ चेक, भाई अगर कोई यूजर इस वक्त यानी कि है लॉगिन है, जो लॉगिन है यानी कि इस वक्त जो भी लॉगिन होगा उस वक्त इस पर्टिकुलर ब्राउजर पे। ठीक है, क्योंकि लॉगिन सिस्टम तो ब्राउजर वाइज कंट्रोल होते हैं ना, सर्वर वाइज कंट्रोल थोड़ी ना होते, वो ब्राउजर वाइज कंट्रोल। तो इस वक्त जो ब्राउजर पे, मेरे इस वक्त ब्राउजर पे जो बंदा लॉगिन है वो चेक हो रहा है कि भाई अगर है तो कंपनी ऐड करो और उसी यूजर की आईडी सेंड कर दो यूजर आईडी के कॉलम की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन, और हमारे पास एडवांस के फोल्डर के अंदर लारावेल एंड ये जो कंपनी मैंने ऐड की है अभी क्या हो गया, देखिए यूजर आईडी कही, क्योंकि इस वक्त एक ही यूजर लॉगिन है जो कि मैं खुद हूं, क्योंकि हमारे पास लॉगिन के अंदर भी यूजर एक ही मौजूद है एडमिन, एक ही ऐड है। तो बस वही उसी की आईडी हमारे पास कंपनीज के अंदर चलेगी, यूजर आईडी यानी कि कंपनी ऐड कौन कर। ठीक है भाई, क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? अब ये जो ऑथेंटिकेशन वाली जो चीज है ना, ये हमें बाकी बाकियों में भी लगानी पड़ेगी। जैसे कि भाई इस इंडेक्स के अंदर हमारे पास ये जो ऑल कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, ऑल कंपनीज मानी यानी कि इस वक्त ऑल कंपनीज के अंदर सारी कंपनीज आ रही हैं जो कि मैंने क्रिएट नहीं भी की वो भी आ रही है ऐसे, जबकि अगर मैं लॉगिन हो रहा हूं तो मुझे सिर्फ मेरी कंपनी ही नजर आए, मैं बाकियों की नहीं देख सकता ऐसे ना, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ। तो अब ये जो ऑथ वाली जो कंडीशन है ये हमें सब में लगानी पड़ेगी, या इंडेक्स में भी लगानी होगी कि भाई जो कंपनीज ऑल आ रही हैं वो किसकी आए, उसी की जो यूजर लॉगिन है, तो यूजर आईडी कॉलम चेक हो रहा होगा, इसमें हम बाद में करेंगे। अब इसमें ऑल की जगह वेयर फंक्शन यूज होगा, ऑल फंक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से यही चीज हमें शो में भी लगानी है। ठीक है, और यही चीज हमें एडिट वगैरह यानी कि जितने भी पेजेस मेरे पास खुल रहे हैं तो मुझे मेरी ही कंपनी या मेरे ही प्रोजेक्ट नजर आए, जो मैंने क्रिएट किए हैं या जो कंपनीज मैंने क्रिएट की है मुझे मेरी नजर आए। हाँ, अगर कोई दूसरा बंदा लॉगिन हो रहा है तो उसको उसी की कंपनी उसी के प्रोजेक्ट दिखाई दें, यहाँ पे कोई भी किसी को भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी दूसरे की कंपनी देख सके। ठीक है, तो वो चीजें अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।